नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। राम वनवास में जाने के लिए तैयार हैं, माता कौशल्या की अनुमति लेने के लिए आए हैं। लक्ष्मण उनके साथ हैं। माता कौशल्या अत्यंत विलाप कर रही हैं, बेहोश होकर गिर जाती हैं। राम से कहती हैं, आप वन में जाओगे, मैं आपके साथ जाऊंगी। तथा तु विलपंतीम ताम कौशल्याम राम मातरम उवाच लक्ष्मणो दीना तत्काल सदृशम वचः। जब से राम केकई के पास से आगे चले हैं वन में जाने के लिए, पीछे पीछे चलते हुए लक्ष्मण लगातार अंदर से आग बबूला हो रहे हैं। जब माता कौशल्या की यह हालत देखी है तो महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं कि लक्ष्मण उस समय अत्यंत क्रोधित होकर के कहते हैं, न रोचते ममाप्येतद् आर्ये यद राघवो वनम त्यक्त्वा राजश्रियं गच्छेत् स्त्रिया वाक्य वशं गतः। इस प्रकार से अपनी स्त्री के कहने से, माता शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, लक्ष्मण कहते हैं एक स्त्री के कहने से और वो बूढ़ा इस प्रकार से इनको वन में जाने की आज्ञा देता है और उस आज्ञा का स्वीकार करके ये वन में जा रहे हैं। माता, मुझे भी ये बात अच्छी नहीं लग रही। कौशल्या के सुर में सुर पुरा रहे हैं, विपरीतस्य वृद्धस्य विपर्ययस्य प्रदर्शिता नृपा कि मेमना ब्रूया चोद्यमाना समन्मथा। समन्मथा कामी, विपरीतस्य वृद्धस्य बूढ़ा हो गया, बुद्धि जिसकी सटे आ गई है, विषयस्य प्रदर्शिता विषयों में जो डूबा हुआ है, ऐसा ये राजा कुछ भी कहे और उसको हम सुन लें, अरे उसकी आज्ञा का पालन करने जैसा ही नहीं है। इस प्रकार से लक्ष्मण अत्यंत क्रोधित होकर के, नास्यापराधम पश्यामि नापि दोषम तथा विधम येन निर्वास्यते राष्ट्रान। वनवास आए राघवा, अरे भाई किसी को आप वनवास देंगे उसकी कोई गलती होनी चाहिए, कोई अपराध होना चाहिए, कोई उसने भूल की हो, देश निकाले की सजा, वनवास की सजा किसको दी जाती है? और इस प्रकार के राम जैसे पुत्र को उन्होंने इस प्रकार की सजा दी है, मेरी समझ में नहीं आता है। ये नतम पश्याम अहम लोके परोक्षमपि यो नरः स्वमित्रोपि निरस्तोपि योस्य दोषम उदाहरित। मुझे इस दुनिया में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई देता है जो बड़े भाई के दोषों को उनके पीछे भी कहता हो। सामने की तो बात जान दो, सामने तो कोई किसी के दोषों का वर्णन नहीं कर पाता है, पर परोक्षे मपि यो न रहा, कोई व्यक्ति परोक्ष में भी पीछे से भी राम की निंदा करता हो, राम के दोषों का वर्णन करता हो, आज तक ऐसा कोई व्यक्ति मैंने नहीं देखा। यानी राम निर्दोष हैं। देवकल्पम रुजुम दांतम रिपूणामपि वत्सलम। वाह महर्षि वाल्मीकि राम की गुणों का वर्णन लक्ष्मण के मुंह से करवा रहे हैं। ये देवता तुल्य हैं, रुजु एकदम सीधे साधे, उदांत उत्तम गुणों से युक्त, रिपूणामपि वत्सलम जिनके शत्रु भी उनसे प्रेम करते हैं या जो अपने शत्रुओं पे भी कृपा करते हैं, शत्रुओं की निरर्थक हत्या नहीं करते हैं राम। अवीक्षमाणा को धर्मम त्यजेत पुत्रम अकारणात्। और इस प्रकार के अपने पुत्र को बिना कारण के कौन त्याग कर दिया करता है? यानी अगर किसी ने यह काम किया है वो निश्चित बुद्ध भ्रष्टि वाला है, भ्रष्ट बुद्धि वाला है, निश्चित भ्रष्ट बुद्धि वाला है। और ऐसे तदिदं वचनम राज्ञः पुनर्वाल्य मुपेयुषः पुत्रः को हृदय कुर्याद राजवृत्त मनुस्मरन। तो राजा की यह आज्ञा किसी बालक जैसी है, उनका ये हठ, उनका ये कहना किसी बालक जैसा है। और ऐसे, संस्कृत में बाल बुद्धि का अर्थ होता है मूर्ख। संस्कृत में इस तरीके से किसी को मूर्ख नहीं कहा जाता, लेकिन अगर ये कहा जाता है कि आपकी बाल बुद्धि है तो ये समझ लीजिए आपको ये कहा जा रहा है कि आप मूर्ख हैं। तो अपने पिता के लिए ये शब्द लक्ष्मण प्रयोग कर रहे हैं। याव देव न जानाति कश्चित् अर्थ मिमम न रहा ताव देव मया सार्धम आत्मस्थम गुरु शासनात्। अरे मैं तो राम से ये कह रहे हैं लक्ष्मण, अब माता कौशल्या के सुर में तो सुर पुरा है, अब राम से कह रहे हैं कि अरे लोगों को महाराज की इस आज्ञा का पता चले उससे पहले पूरी अयोध्या का शासन अपने हाथ में ले लीजिए और उठा करके उनको साइड में कर दीजिए। ऐसा नहीं है, लक्ष्मण में आज के
नवयुवानों के गुण विद्यमान है। वो तो राम थे जिनकी वजह से वो लक्ष्मण बने रहे, बाकी तो जो बातें कर रहे हैं। आज का नवयुवान इसी तरीके से सोचता है, सोचता नहीं वो इसी तरीके से व्यवहार करता है। और लक्ष्मण ने भी वही कहा है। लक्ष्मण कह रहे हैं जब तक लोगों को राम का ये निर्णय मालूम पड़े, देखिए ये बात तो निश्चित है कि महाराज दशरथ परम पराक्रमी राजा हैं, और अगर वो कोई निर्णय लेंगे तो उनके निर्णय का कुछ प्रजा विरोध कर सकती है, लेकिन उनके जो सामंत हैं, उनके जो मंत्री हैं, उनके जो सारे सेनापति वगैरह हैं, वो उनका विरोध नहीं करेंगे। और ऐसे में उनको महाराज की आज्ञा मालूम पड़े, वो महाराज के अनुकूल होकर के उस प्रकार का प्रयास शुरू करें, उससे पहले ही हम पूरे अयोध्या के शासन को अपने हाथ में ले लेते हैं। माया पार्श्वे सदनुसा तब गुप्तस्य राघवे का समर्थोधिकम कर्तुम कृतांतस्येव तिष्ठिता। अरे स्वयं यमराज भी आ जाए ना, आपकी आज्ञा मिल जाए तो स्वयं यमराज भी आ जाए और मेरे हाथ में धनुष बाण हो, तब तक किसी की मजाल नहीं है कि आपके पास भी आ जाए। यानी अगर जरूरत पड़ेगी तो कोई विद्रोह करेगा तो उसको भी निर्मनुष्याम इमाम सर्वाम अयोध्याम मनुचर मनुजर सब करिष्यामि सरै तीक्ष्ण यदि स्थास्यति विप्रिय। अरे अगर विद्रोह हुआ तो मैं इस पूरी अयोध्या को निर्मनुष्याम करिष्यामि, मनुष्यों से रहित बना दूंगा। अगर जरूरत पड़ेगी सबकी हत्या कर डालूंगा अगर किसी ने विद्रोह किया। देखिए इसको कहते हैं स्वार्थ, इसको कहते हैं क्रोध, जिसमें बुद्धि काम करनी बंद कर देती है। अरे अगर आप पूरी अयोध्या को इस तरीके से नष्ट कर देंगे हैं? तो फिर राम राज्य किसके ऊपर करेंगे? लेकिन जब क्रोध में आता है व्यक्ति तो कुछ इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है, उसको मालूम भी नहीं रहता है कि वो क्या कह रहा है। भरतस्यात पक्षोवा यो वास्य हितमिच्छति सर्वान एतान वदिष्यामि मृदुर ही परिभूयते। भरत का या इन राजा का पक्ष लेके कोई भी आएगा उन सब का मैं वध कर दूंगा। इस प्रकार से लक्ष्मण अत्यंत क्रोध में, त्वया चैव मया चैव कृत्वा वैरं मनुत्तमं कास्य शक्ति श्रियं दातुं भरताया रिनाशन। हे शत्रुओं के संहार करने वाले राम, लक्ष्मण अपने बड़े भाई से कह रहे हैं आपके और मेरे रहते हुए हमसे शत्रुता लेकर के किसकी इतनी ताकत है कि भरत को राजा बना दे या भरत को गद्दी दे दे। अनुरक्तोस्मि भावेन भ्रातरम देवी तत्वतः सत्येन धनुषा चैव दत्ते नेष्टेन ते सपे। और अंत में राम से कहते हैं कि मैं सौगंध खा के कह रहा हूं कि जब तक इस शरीर में एक तरीके से प्राण हैं तब तक राम ही राजा बनेंगे और कोई भी राजा नहीं बन सकता है। हनिष्ये पितरम वृद्धम कैकय्याशक्त मानसम कृपणम चास्थिरम बालम वृद्ध भावेन गर्हितम। पराकाष्ठा कहां पहुंच जाती है जब लक्ष्मण ये कहते हैं मैं उस बुढ़े अपने पिता को हनिष्ये मार दूंगा जिसका कैकेयी में मन इतना ज्यादा लगा हुआ है कि उसके कहने से वो वनवास दे रहा है, मैं उन अपने पिता को मार दूंगा। कृपणम चास्थिरम बालम वृद्ध भावेन गर्हितम, जो कृपण है अस्थिर बुद्धि वाले हैं, बाल मूर्ख हैं, वृद्ध भावे ने जो बूढ़े हो गए हैं जिनकी बुद्धि सटिया गई है, गर्रितम जो ऐसे निकृष्ट कर्म कर रहे हैं जो निंदा के पात्र हैं, ऐसे उन अपने पिता को मैं मार दूंगा। यत तत्तु वचनम सुत्वा लक्ष्मणस्य महात्मना उवाच रामं कौशल्या रुदन्ती शोक लालसा। राम आए थे कौशल्या को समाचार देने, उन्हें मालूम था कि माता को बड़ा दुख होगा और माता को किसी तरीके से मनाना है, और उसमें लक्ष्मण ने यहाँ रायता फैला दिया, क्योंकि लक्ष्मण ने जो बात कही है वो कौशल्या के लिए बहुत अनुकूल है और उससे कौशल्या को बल मिलता है। राम चाह रहे थे कि लक्ष्मण उनको थोड़ा समझाएंगे राम के साथ में, लेकिन यहाँ तो सारी बात उल्टी हो गई। ऐसे में राम जो है वो माता कौशल्या से और लक्ष्मण से कहते हैं माता कौशल्या राम से कहती है भ्रातुस्ते वदतः पुत्रा लक्ष्मणस्य श्रुतं त्वया यदत्रानन्तरं तत्त्वं कुरुष्व यदि रोचते। तब माता कौशल्या कहती है कि तुम्हारा भाई लक्ष्मण जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन फिर भी माता भी अपने पुत्र को अच्छी तरीके से पहचानती है कि राम करेंगे वही जो उनके मन में है,
तो माता कहती है फिर भी जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। न चा धर्म्यम वचः श्रुत्वा सपत्न्या मम भासितम विहाय शोक संतप्ताम गंतुम रसि मामिता। मेरी सौतें मुझे नित्य पीड़ा पहुंचाएं, मेरे लिए कुछ भी बोलें, इस स्थिति में उनके पास पीड़ा भोगने के लिए मुझे छोड़ करके तुम यहां से नहीं जा सकते हो। देखिए राम का धर्म संकट देखिए आप, एक तरफ पिता की आज्ञा है, एक तरफ माता ये कह रही है, जननी जिसने जन्म दिया है वो ये कह रही है कि नहीं इस स्थिति में तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। धर्मज्ञ यदि धर्मिष्ठो धर्मम चरितुम इच्छसि शुश्रूषे माम इहस्तस्त्वम चर धर्मम अनुत्तमम। तुम्हें धर्म करना है ना, तुम्हें कर्तव्य का पालन करना है, अगर तुम धर्म करना चाहते हो, हे धर्मज्ञ यदि धर्मिष्ठो आप धर्मिष्ठ हैं, धर्मम चरितुम इच्छसि आप धर्म का आचरण करना चाहते हैं, शुश्रूषे माम इहस्तस्त्वम यहीं रहो और मेरी सेवा करो। चर धर्मम अनुत्तमम, माता की सेवा से बढ़ के और उत्तम कोई धर्म नहीं है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। माता कौशल्या राम की मुश्किल को और बढ़ा रही हैं। वो कहती हैं धर्म का आचरण तुम्हें करना, मैं तुम्हें धर्म के आचरण करने के लिए मैं नहीं कह रही हूं कि तुम राजा बनो, मैं नहीं कह रही हूं कि तुम गद्दी पर, लेकिन तुम वन में मत जाओ, तुम यहीं रहो, तुम मेरी सेवा करो, तुम मेरे साथ रहो, कम से कम तुम्हारी उपस्थिति में जो मेरी दुर्दशा तुम्हारी अनुपस्थिति में होने वाली वो दुर्दशा तो नहीं होगी। केके की पीड़ा अपनी जगह है। शुश्रूषु जननीम पुत्रः स्वगृहे नियतो वसन परेण तपसा युक्ता कश्यपस त्रिदिवम गता। भाई आप स्वगृहे नियतो वसन, अपने घर में रहते हुए आप अपनी माता की सेवा करो। मतलब कौशल्या ने ये तो मान लिया कि ठीक है भरत को राजगद्दी दी जा रही है, भरत राजा बन जाएंगे, लेकिन तुम्हें वनवास जो दिया जा रहा है वो बात कौशल्या की समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है और कौशल्या उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो राम से कह रहे हैं कि अगर आप अपनी माता की सेवा करते हैं तो माता की सेवा से बढ़ के और कोई धर्म कार्य नहीं हो सकता है, इसलिए आप यहीं रुको, अपने घर में रहो और अपनी माता की सेवा करो। अपनी माता यहाँ खाली कौशल्या नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा सारी माताएं रुदन कर रही हैं, कौशल्या के अतिरिक्त भी महाराज दशरथ की जितनी पत्नियां हैं वो इस चीज़ को लेकर दुखी हैं कि राम वन में जा रहे हैं। तो राम अगर यहाँ रहेंगे तो सबकी स्थिति अच्छी रहेगी, तो सबकी सेवा करेंगे, इससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं हो सकता है। यथैव राज्या पूजस्ते गौरवेण तथा ही हम त्वाम ना हम अनुजानामी ना गंतव्य मितो बनम। कौशल्या कह रही हैं कि जैसे तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए पूज्य हैं, मैं भी तुम्हारी माता हूं, मेरा भी गौरव मेरा अधिकार उससे कम नहीं है। तुम पिता की आज्ञा मान करके अगर बन जाने के लिए तैयार हो तो माता का अधिकार पुत्र पे पिता से ज्यादा होता है, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं न गंतव्य मितो वनम, यहां से तुम्हें वन में नहीं जाना चाहिए, न गंतव्यम नहीं जाना चाहिए। तद वियोगान्न मे कार्यम जीवते न सुखेन वा, तुम्हारे वियोग में न मुझे जीना न मुझे सुख, त्वया सह मम श्रेयस तृणानाम अपि भक्षणम, तुम्हारे साथ रह करके अगर मुझे घास भी खानी पड़े तो मैं तैयार हूं, लेकिन तुम्हारे बिना मुझे कोई सुख कोई जीवन तुम्हारे बिना का नहीं चाहिए। माता कौशल्या इस प्रकार से राम से कह रही हैं यदि तुम यास्य शिवनम त्यक्त्वा माम शोक लालसाम अहम प्राय मिहा शिष्ये नहीं शक्ष्यामि जीवितुम। अगर तुम मुझे इस स्थिति में छोड़ करके वन में गए तो मैं एक दिन भी जिंदा रहना नहीं चाहती हूं। तस्त्वम प्राप्स्यसे पुत्रम निरयम लोक विस्तृतम ब्रह्म हत्या मिवादर्धाम समुद्रः सरिताम पते। मैं अन्न जल का त्याग कर दूंगी और मैं मर जाऊंगी, और मैं मरूंगी तो इसका पाप तुम्हारे सिर पे लगेगा और ये ब्रह्म हत्या का पाप होगा। माता की मृत्यु की जवाबदारी अगर पुत्र के सिर पे है तो तुम्हें ये ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। देखिए माता कौशल्या राम की पीड़ा को बढ़ाती चढ़ी जा रही हैं, वो कैसे भी चाहती हैं कि उनका पुत्र वन में ना जाए, और एक माता यही चाहेगी।
माता तो कैसे सोच सकती है कि उसका पुत्र जिसको उसने जैसे तैसे आज बड़ा किया है, जो आज इतना बड़ा हुआ है, वो उसको इसी स्थिति में छोड़कर के वन में चला जाए। बिलपंती तथा दीनाम कौशल्याम जननीम तथा उवाच रामो धर्मात्मा वचनम धर्म संहितम। तब राम जो है अपनी माता कौशल्या जो इतना रो रही है उससे कहते हैं, नास्ति शक्ति ही पितुर्वाक्यम समतिक्रमितुम मम। पिता की बात का अनादर करने की शक्ति मुझ में नहीं है। प्रसादये त्वाम शीर्षा, मैं आपको सिर से प्रणाम करके प्रसन्न करता हूँ। गंतुमिच्छाम्यहं वनम्, मैं स्वयं वन में जाना चाहता हूँ। एक बार पिता की आज्ञा मिल गई है, मैं उसका अनादर नहीं कर सकता हूँ और आपकी अनुमति चाहता हूँ। इस संदर्भ में आप मेरे कार्य को आसान बनाइए। ऋषिणाम च पितुर्वाक्यम कुर्वता व्रतचारिणा गौरहता जानता धर्मम कंडूनापि विपश्चिता। अब राम शास्त्र पढ़े उन्होंने हैं, तो माता से कह रहे हैं कि कंडू नाम की ऋषि ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए गाय की हत्या की थी, फिर भी उनको गौ हत्या का पाप नहीं लगा था। अस्माकं च कुले पूर्वं सगरस्याज्ञापितुः खनद्भिः सागरे भूमि अवाप्ता सुमहान वधा। हमारे पूर्वज जो सगर हुए, उनके 60,000 पुत्रों ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते करते मृत्यु का वरण कर लिया था, लेकिन पिता की आज्ञा में से वो लोग पीछे नहीं हटे थे। जामदग्न परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा से अपनी माता रेणुका का सिर काट दिया था, लेकिन उनको भी कोई दोषी नहीं मानता है। सीधी सी बात राम कौशल्या से ये कह रहे हैं कि आप इस तरीके से मुझे बंधन में मत बांधो, क्योंकि बंधन में बंध तो मैं जाऊंगा, या मैं आपके अनादर के साथ भी अगर यहाँ से चला जाऊंगा तो मुझे कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि मैं पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँगा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ। एतर अन्य बहुभीर देवी देव समहीकृतम पितुर्वचन मक्लीवम करिष्यामी पितुरहितम। तो ये बहुत सारे उदाहरण मेरे सामने हैं, इसलिए हे माता, मैं पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ, मैं पिता की आज्ञा का पालन अवश्य करूँगा। इस प्रकार से राम जो हैं माता कौशल्या को समझाने की कोशिश करते हैं, लक्ष्मण जो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए थे उनको शांत करते हैं, ना माता मानती है, लक्ष्मण तो उसके आगे कुछ बोल नहीं सकते हैं। देखते हैं आगे की कथा अगले वीडियो में। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास, चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं